हाय एवरीवन, दोस्तों वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने अपने लाइफ में सब खुश होंगे। तो दोस्तों, अपने इंडिया में है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो फील्ड है वो काफी तेजी से ग्रो कर रही है। तो इलेक्ट्रिक कंपनी है जो काफी से अपने प्रोडक्ट पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे काफी ज्यादा ध्यान भी दे रही है। तो उसी बीच है जो, जैसे कि इलेक्ट्रिक बाइक हो गया, इलेक्ट्रिक स्कूटी हो गया और इलेक्ट्रिक कार हो गया, तो उन्हीं के साथ साथ अब जो है इलेक्ट्रिक बस भी अपने यूपी के सड़कों पर दौड़ेगी। तो अभी कई सारे राज्यों में है जो इलेक्ट्रिक बस है जो वो रन कर रही है। तो उसी बीच अब है जो ये यूपी के सड़कों पे भी बस चलेगी, वो भी इलेक्ट्रिक वाली। और दोस्तों, लखनऊ में है जो पहले से ही टाटा मोटर्स की कंपनियां हैं और उसी के बीच है जो इसकी जो कुछ यूनिट है वो आपके कानपुर में भी देखने को मिल जाते हैं। तो उसी के साथ साथ है जो अशोक लैंड के जो कुछ यूनिट है वो लखनऊ में लोकेट होंगे और वहां पे जो ई इलेक्ट्रिक बस का जो निर्माण है वो वहां से शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों, ये जो अप्रोक्स अप्रैल से शुरू होगा और मई में है जो इसकी जो इलेक्ट्रिक बसें हैं वो अपने यूपी के सड़कों पे दौड़ना शुरू हो जाएगी। तो ये एक अच्छा कदम है उनकी तरफ से कि कंपनी है जो आप इलेक्ट्रिक बसों पे भी ध्यान दे रही है। तो दोस्तों, फर्स्ट अटेम्प्ट में है जो कंपनी है जो 2500 यूनिट है जो इलेक्ट्रिक बस की वो रिलीज करेगी, जो कई सारे जगहों पे है जो चलेगी। और दोस्तों, कंपनी जो है इस पे 1500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो ये हमारे लिए काफी गर्व की बात है कि अब हमारे यूपी के सड़कों पे इलेक्ट्रिक बस भी दौड़ेगी और इलेक्ट्रिक चीजें, इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है वो काफी सारे, इसकी मात्रा है जो बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो एरिया में है, हमारे स्टेट में है जो पॉल्यूशन की मात्रा काफी ज्यादा कम हो जाएगी। तो ये काफी अच्छी बात है, तो ये एक अच्छा कदम है हम सभी के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और ये जानकारी आपको कैसी लगी और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।